जिला बीड़ के धारूर के घाट पर बड़ी दुर्घटना पेश आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉर्च्यूनर कार नंबर MH20EJ6787 धारूर घाट से औरंगाबाद शहर की ओर आ रहे थे। घाट से उतरते समय सामने से आ रही तेज रफ्तार वाहन से बचने के लिए अपनी कार को रास्ते से उतारा, लेकिन बदकिस्मती वहां रास्ता ही नहीं था और फॉर्च्यूनर कार सीधे पास के तालाब में जा गिरी। तभी कार चालक और साथ में बैठे व्यापारी ने दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी और तालाब में गिरे। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने भी सतर्कता दिखाई, समय पर पहुंचकर मदद की। दूसरी ओर हादसे की परिस्थिति इतनी भयंकर थी कि कार चालक और साथी सदमे में थे। स्थानीय नागरिकों ने और पुलिस ने इन्हें संभाला। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद फरीद, मोहम्मद जकरिया कटकट गेट पुलिस कॉलोनी के रहवासी और वाहन चालक अब्दुल मोबिन बारी अंसारी सादत नगर रेलवे स्टेशन के रहवासी है। दोनों ही सुरक्षित है, गंभीर चोट नहीं लगी। लेकिन धारूर घाट पर इस प्रकार की दुर्घटना आए दिन होना अब आम बात हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस घाट पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। तालाब और हाईवे के पास किसी प्रकार की दीवार या बैरिकेड्स नहीं लगाया गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते इस घाट पर दुर्घटना का सिलसिला आज भी जारी है। बाकी गड़बड़ होगी तो भी नहीं, अंदर गिर गया। चाबी चाबी टूट के गिर गई, निकलने के चक्कर में चाबी अंदर ही गिर गई। टूट के सर निकले थे क्या? अरे यहाँ लटकी हुई थी, टूट के गिर गई सर निकलने के चक्कर में। ये इनोवा की चाबी गाड़ी दी बात तुम साबित हो गए। गाड़ी छोड़ो, फिर तो बोलो गाड़ी का कुछ भी नहीं अपना मेन। साजी भाई क्रेन वाले को बोलो।
ते उभा राहिले आता ते गळून जात नाही गाडी उभी आहे गाडी दारू ए भैया ए अरे दुसरा सोबत काय चर्चा करू नको फक्त सात एक बायला बोलू साहेब गेले का घरी झालं ना विषय बक्षीस चलो बोलने।